हाय गाइस, वेलकम बैक। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि निनोट का अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, और साथ में आपको $100 दिया जाएगा 3 मंथ के वैलिडिटी के साथ। तो गाइस, आपको पता ही होगा कि आखिर निनोट का अकाउंट बनाने में क्या फ़ायदा है। तो इससे आप वेबसाइट को होस्टिंग करने और साथ में VPS फ्री में यूज करने के लिए आपको दिया जाएगा 3 मंथ के लिए। तो सबसे पहले आपको 3 मेथड से आप बना सकते हो इसे। पहला मेथड है जो कि पेपाल। अगर आपका पास पेपाल यूज करते हो और उसमें कुछ अमाउंट है, तो आप पेपाल के से निनोट का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक, सबसे पहले इसे लॉगिन करनी होगी अपने पेपाल अकाउंट को। मैं पासवर्ड यहाँ पर भूल चुका हूँ, तो यहाँ पर फॉरगेट कर रहा हूँ, फिर से मैं न्यू पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ। तो गाइज, इसमें आपका ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मेरा पासवर्ड भूलने के कारण मैं फॉरगेट किया हूँ। और दूसरा मेथड है आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप इजीली निनोट का अकाउंट बना सकते हो। इसमें मास्टर और वीज़ा कार्ड होना चाहिए अगर डेबिट कार्ड है तो, अदरवाइज नहीं बनेगा रुपए कार्ड से। तो अगर क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से तो आप इजीली बना सकते हो निनोट का अकाउंट, लेकिन जो डेबिट कार्ड यूज करे तो सिर्फ वीज़ा और मास्टर कार्ड ही यूज करे, वो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने कार्ड का डिटेल फिलअप करनी है, जो कि 12 डिजिट का नंबर का जो डिजिट होता है वो फिलअप करनी है, और साथ में आपको एड्रेस फिलअप करना है, जो कि सही एड्रेस देना होता है तभी यह करेक्ट होता है। और यहाँ से आप कंटिन्यू कर देनी है। तो यहाँ पर कुछ ही देर में आपको $1 डिडक्ट कर दिया जाएगा। फिर से आपको 15 मिनट 10 मिनट के बाद वो अमाउंट फिर से इसी में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आप निनोट का अकाउंट बना सकते हो। और तीसरा मेथड आपको गूगल पे आएगा ऑप्शन के साथ, तो वहाँ पर भी आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, और वहाँ से आप फिलअप करके इजली निनोट का अकाउंट बना सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे गाइस, तो लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना।